WWE के ऐसे कौन से पांच बहुत बड़े बॉचेस थे जिन्होंने स्टोरी लाइन्स को उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बना दिया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE स्टोरी लाइंस में हमें यूजुअली बॉचेस देखने को मिलते रहते हैं और लोग उसको कई बार देख के हंसते भी हैं कि किस तरीके से जो है वो मूव कभी कभी मिस हो जाता है और कभी कभी ऐसे तरीके से भी कनेक्ट हो जाता है जो प्लैंड नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉचेस की वजह से स्टोरी लाइंस में WWE को चेंजेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो स्टोरी लाइंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अब नंबर पाँच की गाइज हम बात करते हैं तो ये रीसेंट एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ की बात है जहाँ पे हमें साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिला और हमने देखा कि किस तरीके से वो एज अ हील वापस आई हैं और उन्होंने बुरे तरीके से जो है वो बैकी लिंच को अटैक कर दिया। अब जब गाइस साशा बैंक्स बैकी लिंच को मार रही थी चेयर शॉट से तो वहां पे उन्होंने एक चेयर शॉट को बॉच कर दिया और जो चेयर का एज था वो एकदम सीधा जाके लगा बैकी लिंच के सर में और वो जो था प्लान नहीं था कि वो उनके सर में उनको मारना है। अब स्टोरी लाइन को गाइस बेटर इसलिए बनाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप थी कि साशा बैंक्स वापस आ चुकी हैं। दूसरी बहुत अच्छी बात यह थी कि वो हील हैं और तीसरी अच्छी बात यह कि उनको सीधा बैकी लिंच के साथ एक चैंपियनशिप फ्यूड में डाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब इस चीज को WWE स्टोरी लाइन में भी यूज कर रही है कि उन्होंने एक चेयर शॉट बैकी के सर पे मार दिया तो यह प्रूफ करता है कि आखिर साशा बैंक्स कितनी बड़ी हील हैं और उनका जो नया हील कैरेक्टर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता चले जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि प्लान नहीं थी लेकिन अब WWE इस चीज को यूज करके जो है वो आने वाले समय में साशा को और स्ट्रांग दिखा सकती है। अब हम नंबर फोर की गाइस बात करते हैं तो ये था कि रैंडी ऑर्टन ने अली को इंजर्ड कर दिया जिसकी वजह से हमें देखने को मिली कॉफी मेनिया। अब एलिमिनेशन चेंबर 2019 में हमें जो ओरिजिनल मैच देखने को मिलने वाला था वो था कि डैनियल ब्रायन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इन द एलिमिनेशन चेंबर अगेंस्ट अली, रैंडी ऑर्टन, समोआ जो, जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स। लेकिन इस पेपर व्यू से 12 दिन पहले गाइज रैंडी ऑर्टन ने गलती से अली की आंख पे स्टॉम्प कर दिया जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए और WWE को फोर्सफुली यहां पर चेंज करना पड़ा और जिस सुपरस्टार ने अली को यहां पर रिप्लेस करा गाइस वो थे कॉफी किंगस्टन। उसके बाद हम देखते हैं कि गो होम शो ऑफ एलिमिनेशन चेंबर में 60 मिनट से भी ज्यादा तक कॉफी जो हैं वो एक गॉन्टलेट मैच को सरवाइव करते हैं और एलिमिनेशन चेंबर में वो बहुत क्लोज थे WWE चैंपियनशिप जीतने के लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं जीत पाते। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के बाद गाइस कॉफी किंगस्टन इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए और क्राउड उनको इतना ज्यादा बैक करने लग गया कि अपने 11 साल के WWE करियर में कॉफी किंगस्टन पहली बार एक रेसलमेनिया मोमेंट की ड्रीम कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि ये पूरा हो सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ गाइस क्योंकि रेसलमेनिया 35 में उनका मैच हुआ डैनियल ब्रायन के साथ जो कि बहुत लोगों का बेस्ट मैच था उस पूरे शो पे और उसमें कॉफी किंगस्टन ने कर दिया डैनियल ब्रायन को डिफीट और उसके बाद वो बन गए WWE चैंपियन। तो यहां पे हम देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से अगर रैंडी ऑर्टन शायद अली को वहां पर इंजर नहीं करते, उस बॉच को नहीं करते तो हो सकता था कि अली जो है वो कॉफी किंगस्टन की जगह होते। लेकिन अली के इंजर्ड होने की वजह से हमको कितनी बढ़िया ये स्टोरी लाइन देखने को मिली जो शायद WWE ने कभी खुद नहीं सोचा था कि वो रेसलमेनिया के लिए कुछ ऐसा करेंगे। नंबर थ्री की बात करें गाइस तो एक बार फिर से स्टोरी लाइन रैंडी ऑर्टन और कॉफी किंगस्टन से ही जुड़ी हुई है और अगर हम मंडे नाइट रॉ की 10 साल पहले की बात करें तो हमें एक मैच देखने को मिलता है एक ट्रिपल थ्रेट कॉफी किंगस्टन अगेंस्ट जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन मंडे नाइट रॉ पे और इसके विनर को मिलना था एक टाइटल शॉट अगेंस्ट WWE चैंपियन शेमस एट द रॉयल रंबल। और इस मैच से पहले यह डिसीजन लिया गया था क्रिएटिवली कि यहां पर रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं और वो कॉफी किंगस्टन को पंट किक मार के जो है अपनी विक्ट्री हासिल करेंगे। अब कॉफी किंगस्टन को पता नहीं क्यों ऐसा लगा इस मैच में कि उनको आरकेओ से हारना है और पंट किक से नहीं। तो जब भी रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने की कोशिश करते थे और कॉफी किंगस्टन उस पोजीशन में होते थे तो कॉफी बार बार उस चीज से उठे जा रहे थे और वो पंट किक रैंडी को मारने का चांस ही नहीं दे रहे थे और रैंडी ऑर्टन इस चीज से बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए वहां पे और वो कॉफी पर चिल्लाने लगे स्टूपिड स्टूपिड और उसके बाद कॉफी से गुस्से होकर उन्होंने बहुत ही बुरी आरकेओ जो है उन पर लगाई और उसके बाद उन्होंने जाके WWE क्रिएटिव को भी बोला कि कॉफी किंगस्टन एक पुश के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो ऐसे बॉच करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो WWE ने तब जो है गाइस उनका पुश बिल्कुल रोक दिया। लेकिन हम देख सकते हैं गाइस कि प्रेजेंटली जो फ्यूड चल रही है रैंडी ऑर्टन और कॉफी किंगस्टन की उसमें WWE किस तरीके से इस इंसिडेंट का या फिर हम कह सकते हैं इस कॉफी के बॉच का इस्तेमाल कर रही है जिसने तब कॉफी किंगस्टन का जो पुश है वो खत्म कर दिया और अब हमें काफी अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है कॉफी किंगस्टन और रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो कितनी पुरानी बातें भी आगे जाके कितनी
इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, यहां पे ये चीज हमें प्रूफ करती है। नंबर दो की हम बात करें गाइस, तो सेथ रॉलिंस ब्रेक्स जॉन सीनाज नोज। समर स्लैम 2015 में यूएस चैंपियन जॉन सीना अगेंस्ट सेथ रॉलिंस जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे, एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हमें देखने को मिला, जहां पे शॉकिंगली टीवी सेलिब्रिटी जॉन स्टुअर्ट इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। अब इस मैच के बिल्डअप में गाइस हमें एक बहुत बड़ा बॉच देखने को मिला, जो कि माना जाता है पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा बॉच, और वो हुआ था गाइस मंडे नाइट रॉ के जुलाई 27th एपिसोड में, जब सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट सीना ने अपना टाइटल ऑन द लाइन रखा था। और यहां पे इस मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस एक नी मारने की कोशिश करते हैं सीना को, जो कि गलती से सीधा उनके चेहरे के बीचों बीच लग जाती है, और उसके बाद गाइस लिटरली जॉन सीना की नाक जो है वो टूट के पूरी डी शेप हो जाती है, और उसके बावजूद भी जॉन सीना किसी ना किसी तरीके से समर स्लैम से पहले फिट होके उस मैच को परफॉर्म करते हैं। लेकिन समर स्लैम के बाद जब जॉन सीना और सेथ रॉलिंस की ये फ्यूड कंटिन्यू हुई, तो सीना की वो इंजरी जो थी वो उसका मेजर फोकस पॉइंट बना, जिसने इस फ्यूड को और बढ़िया बना दिया, क्योंकि सेथ रॉलिंस बड़ी स्क्रीन पे टाइटैंट्रन पे जॉन सीना की नाक की फोटो दिखा के उसका मजाक बनाते थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसने इस फ्यूड को अच्छा बनाया। अब नंबर वन पे आता है गाइज नाया जैक्स का एक मुक्का, जिसने बदल दी बेकी लिंच की किस्मत। जैसा कि हम जानते हैं सर्वाइवर सीरीज 2018 से 6 दिन पहले मंडे नाइट रॉ पे स्मैकडाउन की विमेंस टीम ने इन्वेड करा था रॉ को और अटैक कर दिया था पूरे विमेंस लॉकर रूम को, और बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी इन अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ऑलरेडी शेड्यूल्ड था सर्वाइवर सीरीज के लिए। लेकिन इस इन्वेजन एंगल में गाइस नाया जैक्स, जो कि यूजुअली काफी सारे वॉच करती हैं, उन्होंने मुक्का मारा बेकी लिंच को, जो कि सच में उनके चेहरे पे लग गया बहुत तेज, और उनकी भी नाक टूट गई इस वजह से, और WWE को मैच चेंज करना पड़ा, जहां पे रोंडा राउजी वर्सेस बेकी अब बन गया था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी, और बेकी लिंच जो है इस मैच से बाहर हो गई थी। लेकिन जब वो सर्वाइवर सीरीज के बाद वापस आई, तो उनको इतना ज्यादा पॉपुलर क्राउड ने बना दिया, इतनी ज्यादा वो फेवरेट हो गई थी सबकी, कि लोग उनको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मानने लग गए थे वुमेन्स डिवीजन का। और हम कह सकते हैं गाइस कि अगर नाया जैक्स ने अटैक नहीं करा होता बेकी लिंच को और उनका मैच होता सर्वाइवर सीरीज में रोंडा के साथ, तो शायद WWE अपने ओरिजिनल प्लान के साथ जो है आगे बढ़ती, जो कि था शार्लेट वर्सेस रोंडा एट रेसलमेनिया। लेकिन क्योंकि बेकी की अपॉर्चुनिटी सर्वाइवर सीरीज में चली गई थी, उन्होंने एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया रेसलमेनिया को, जहां पे बेकी लिंच को उस मैच में एंटर करा गया और वो ड्यूअल चैंपियन बन गई, जो कि थी रॉ और स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन, जहां पे उन्होंने मेनिया के मेन इवेंट में हरा दिया दोनों ही शार्लेट और रोंडा राउजी को। तो हम देख सकते हैं कि वो एक बॉच कितनी किस्मत लेके आया बेकी लिंच के लिए, और उनकी अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन और उनकी विक्ट्री रेसलमेनिया हो गई इतनी कमाल की। तो गाइस ये थे ऐसे 5 बॉचेस जिन्होंने स्टोरी लाइन को बना दिया बहुत ही कमाल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।